त्रिपाठी, भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री, क्योंकि बहुचर्चित रावण या देश की लड़ाई बिल्कुल फ्रंट पर आकर के देश भर में लड़ रही है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। लावण्या केस में अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों का इन्वॉल्वमेंट भी आ गया है, और आपने विचार केस किया, अब इस पर इस समय आपका क्या स्टैंड है? जिस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 32 कार्यकर्ताओं को, जो कि इनोसेंट से फर्स्ट स्टूडेंट थे, उन 32 कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती स्टालिन सरकार के द्वारा जेल में डाला गया, और सिर्फ जेल में नहीं डाला गया, अब इनको 14 दिन की रिमांड पर भी भेजा गया। उस टाइम पे उनको ये लगता था कि स्टालिन सरकार एबीवीपी के उन 32 कार्यकर्ताओं की कमर तोड़ देगी, और उसके बाद वो लावण्या के केस के लिए, लावण्या के न्याय के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। परंतु विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जेल से निकलने के बाद आज और अधिक दृढ़ होकर के, और अधिक दृढ़ निश्चय के साथ में बाहर आए हैं, और उन्होंने लावण्या वॉन्ट्स जस्टिस, जस्टिस फॉर लावण्या, अपनी इस आवाज को और जोर शोर के साथ में बुलंद किया है। और जब तक लावण्या को न्याय नहीं मिल जाता है, सिर्फ लावण्या ही नहीं बल्कि भविष्य में पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और कोई लावण्या ना बने, ये भी सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थी परिषद देश भर में जिस भी तरीके के आंदोलन अभियान की आवश्यकता पड़ेगी, उन सभी को करने के लिए सक्रिय है और तत्पर भी। आपका लावण्या आगे न बने, इसके लिए क्या कोई एक विशेष कोई फ्रेमवर्क या कोई कार्ययोजना इस तरीके की है विद्यार्थी परिषद के जहन में? क्योंकि इस तरह के मामले देश में कई जगह प्रकाश में आते हैं, और लावण्या का केस चूंकि बड़ी जगह पर हुआ और उसके मीडिया का जो अटेंशन था वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा मिला है, लेकिन ऐसे केस रिमोट एरियाज में बड़ी संख्या में होते हैं। अब देखिए तो कहीं ना कहीं पूरे समाज में कोई एक ऐसा केस बन गया है जो नीम का पत्थर साबित होता है। लावण्या का केस भी ऐसे बच्चे जिन बच्चों को इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई के नाम पर कन्वर्जन करने के लिए फोर्स किया जाता है, मतांतरण के लिए, मतलब अगर आपने अगर कन्वर्जन नहीं किया तो हम आपको फेल कर देंगे, आपने अगर कन्वर्जन नहीं किया तो हम आपको आपकी बेइज्जती करेंगे, आपसे एक्स्ट्रा वर्क लेंगे। लावण्या के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, जब उसने कन्वर्जन के लिए मना किया तो लावण्या को उसे टॉर्चर किया गया, मेंटल टॉर्चर किया गया, एक्स्ट्रा काम लिया जाने लगा, जिसके बाद में लावण्या ने सुसाइड कमिट किया। भविष्य में और कोई लावण्या ना बने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी और स्टूडेंट को कन्वर्जन करने के लिए फोर्स ना किया जाए, अनडेमोक्रेटिक फोर्स को कन्वर्जन ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थी परिषद प्रत्येक स्थान पर ये मांग भी कर रही है कि जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, सच कहा जाए तो देश में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनमें जो देश की मेजोरिटी है वो वहां पर माइनॉरिटी होती है, तो उन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में कम से कम एंटी कन्वर्जन हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, और ऐसे इंस्टीट्यूशन जो इन गतिविधियों में शामिल हुए पाए जाते हैं उन इंस्टीट्यूशन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, ये भी सुनिश्चित करवाना चाहती है विद्यार्थी परिषद। और इसके लिए जिस भी स्तर तक जाकर के आंदोलन करना होगा या पॉलिसी मेकिंग के लिए अपना मत जहां पर देना होगा वो सब कुछ करने के लिए विद्यार्थी परिषद आगे आएगी। आप जो बुनियादी बात उठा रहे हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की, क्या आपको नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पर देश भर में जो अनुभव है इन घटनाओं के, इसके आधार पर माइनॉरिटी स्टेटस वाले जो इंस्टीट्यूशन है खासकर के एजुकेशन से जुड़े हुए, उनको रिडिफाइन करने की आवश्यकता कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पर नहीं? मुझे लगता है कि ये सोचने की आवश्यकता है, इसी कारण पर डिमांड कर रही है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वह माइनॉरिटी में है, कौन माइनॉरिटी में, तो वो माइनॉरिटी में उस इंस्टीट्यूट के अंदर है जो देश में मेजोरिटी है कहने के लिए, तो ऐसे स्थानों पर भी ये देखना पड़ेगा कि जिनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है वहां पर माइनॉरिटी में कौन है, और जो वहां पर माइनॉरिटी में है उनके साथ में किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, उनके साथ किस तरीके का अत्याचार हो रहा है। तो अगर हम, मुझे लगता है कि अगर हम इस बात के ऊपर ध्यान करेंगे तो चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, या फिर यूनिवर्सिटीज हो, या नेशनल इंस्टीट्यूशन की अगर बात होंगे तो स्कूल और कॉलेजेस जो है या फिर यूनिवर्सिटीज वहां पे अगर देखें और इस माइनॉरिटी के बारे में विचार करें और कन्वर्जन के लिए बातें करने पर विचार करें तो मुझे लगता है देश का हर एक विद्यार्थी की जान खतरे में है, क्योंकि देश के हर एक विद्यार्थी की जान बचाने का समय है, उनको सेव करने की आवश्यकता है कि वो कन्वर्जन करने के लिए उनको बाध्य न होना पड़े, इसलिए सोचने की आवश्यकता है कि हम जिनका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कर कह रहे हैं उनके अंदर कौन माइनॉरिटी में है आज के। अभी इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला था इसी नेचर का, रोहित वेमुला का, वो मामला जिस तरीके से उठा और राइट विंग के अगेंस्ट एक बड़ी लॉबी ने उसको इस तरीके का नैरेटिव पूरी दुनिया के अंदर खड़ा किया, क्या इस लावण्या के मामले में आपको नहीं लगता जो लिबरल गिरोह के लोग हैं, लेफ्ट लिबरल्स हैं, वो भी एक तरीके से बेनकाब हो रहे हैं और उनका सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म इस मामले में सामने आता है?
आपने एकदम सही क्वेश्चन उठाया है कि जिन लोगों ने रोहित कमला के बारे में हाई तौबा मचाई, रोहित कमला ने भी सुसाइड किया था, उसकी सुसाइड का कारण क्या था वो धीरे धीरे करके जांच के माध्यम से सब कुछ सामने आया। एक तरफ तो रोहित कमला के लिए पूरे देश भर में हाई तौबा मच गई, ठपली बजती रही, इंडिया गेट पर प्रदर्शन हुए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के तंजावुर में एक 17 वर्षीय बच्ची जो कि हाईस्कूल के एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स लेकर के आती है, उस बच्ची को कन्वर्जन के लिए बाध्य किया जा रहा है, और जब वो सुसाइड करती है तो उसके ऊपर बात करने के लिए सो कॉल्ड लिबरल गैंग, सो कॉल्ड जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं, उन सबके मुंह पर ताला लग गया है। और लावण्या के केस के माध्यम से वो लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं, और ये इस बात का प्रमाण है कि उनको किसी विद्यार्थी की जान से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से मतलब है। वो उस समय इसलिए आंदोलन कर रहे थे क्योंकि केंद्र में कोई एक विचार परिवार की सरकार थी जिसके कारण वो आंदोलन कर रहे थे। तमिलनाडु में डीएमके की गवर्नमेंट है, स्टालिन मुख्यमंत्री है, वो स्टालिन जो लगातार मंदिरों को गिरा रहा है, मंदिरों को तोड़ रहा है अतिक्रमण के नाम पर, जो लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, तो वो उसके बारे में आवाज नहीं उठा रहे हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि स्टालिन डीएमके पार्टी का मेंबर है, डीएमके की गवर्नमेंट है आज तमिलनाडु के अंदर, और लावण्या जिस बच्ची ने सुसाइड किया, लावण्या के पिताजी लास्ट 25 ईयर से डीएमके के सदस्य हैं। तो आज स्टालिन कहीं ना कहीं एक अनसीन प्रेशर उस गवर्नमेंट के ऊपर है, जिस प्रेशर के कारण वो अपने खुद के कैडर की बच्ची को न्याय नहीं दे रहा। तो अगर स्टालिन अगर अपने खुद के कैडर की बच्ची को न्याय देने के लिए नहीं तैयार है, न्याय नहीं दे पा रहा है, तो वो तमिलनाडु की हम अन्य बच्चियों के बारे में या तमिलनाडु के अन्य लोगों के को न्याय मिलेगा ये हम कैसे सोच सकते हैं? तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके और दूसरी जो पार्टियां हैं उनके स्टैंड को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इसमें बीजेपी को भी शामिल करता हूँ। ये सबके सब इस केस पर शांत है। अगर मैं बात करूं तो जो विपक्ष में है अभी बीजेपी की बात करूं तो उनके माध्यम से लावण्या के विषय में न्याय उठाया भी गया, बाद में जो वहां के अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उनको उनकी गिरफ्तारी की मांग भी लेफ्ट लिबरल्स के माध्यम से, सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल्स के माध्यम से की गई। पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक सेलेक्टिव एजेंडा उठाया जाता है, वो एजेंडा जो कि खुद की पॉलिटिक्स में फिक्स होता है, वो उस एजेंडे को उठाते हैं। पर आवश्यकता ये है कि हम उस एजेंडे को ना ध्यान में देकर के देश का एजेंडा लेकर के चले, देश के बच्चों के भविष्य का एजेंडा लेकर के आगे चले। पर जिस तरीके से तमिलनाडु में अन्य पार्टियां, या फिर मैं बात करूं कि देश की अन्य पार्टियां जो है, जिस तरीके से लावण्या के न्याय के नाम पर उन सबके मुंह पर ताला लगा हुआ है, ये इस बात का प्रमाण है कि उनको छात्रों के भविष्य से, छात्रों से कोई सरोकार नहीं। उनको सरोकार है तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से है, उनको सरोकार है तो सिर्फ और सिर्फ एक अपनी चीप पॉलिटिक्स के कारण है, जहां उनका एक एजेंडा उन्होंने फिक्स किया हुआ है, उस इकोसिस्टम में जो भी फिट बैठेगा, उस इकोसिस्टम में जो फिट बैठता है वो उसको चलाते हैं, उनके एजेंडे में जो फिट बैठता है वो उसको चलाते हैं। लावण्या उनके एजेंडे में फिक्स नहीं बैठ रही है, इसलिए वो लावण्या के न्याय के लिए आवाज नहीं उठा रही है। इसका मतलब ये भी है कि जो नेशनल पार्टियां हैं, खासकर साउथ को लेकर के ऊपर हम देखते हैं, तो नेशनल इंटरेस्ट पर उनका उतना इन्वॉल्वमेंट आपको नजर नहीं आ रहा है, और नेशनल पार्टियां जो हैं वो साउथ से जुड़े हुए इस तरीके के मुद्दे हैं, उन पर भी उनका जो स्टैंड है वो नेशनल इंटरेस्ट के साथ नहीं है। नहीं, ये जो पार्टियां हैं, अगर इनकी बात करूं, ये जो रीजनल पार्टियां हैं तमिलनाडु में आज के समय पे, ये तो बात ही नहीं करना चाहती है नेशनल इंटरेस्ट। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सिर्फ नेशनल कैरेक्टर की जो पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, उस समय पहले लेफ्ट भी नेशनल उसमें थी, तो इन पार्टियों के स्टैंड को लेकर के एक, चूंकि आप एक फ्रंट लाइन के एक्टिविस्ट हैं लावण्या के मामले को जिस तरीके से आप उठा रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि जिस आक्रामकता से बीजेपी और कांग्रेस को या दूसरे नेशनल पार्टियों को इस मामले में स्टैंड लेना चाहिए था, नहीं लिया गया? मुझे दुखद तो है ये, क्योंकि जिस तरीके से उस बच्ची के न्याय की आवाज उठानी चाहिए थी, नहीं उठाया है लोगों ने, और इसी कारण से हम, चूंकि हम विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है, बिल्कुल हमारी एक सीमा है, और इस सीमा के अंतर्गत रहते हुए एक छात्र संगठन होने के नाते एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जिन भी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनकी आवाज हमेशा से विद्यार्थी परिषद उठाता आया है, और आज जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये अनडेमोक्रेटिक फोर्सफुल कन्वर्जन का मामला आया है, तो उस मामले की शांति के लिए, उस मामले को समाप्त करने के लिए भी विद्यार्थी परिषद काम कर रही है। आपको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भूमिका है वो उसको उसका एनालिसिस आप किस तरीके से करते हैं, खासकर लावण्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड? इसमें एक तो पॉइंट देखने वाला है कि जिस दिन लावण्या की डेथ हुई,
उसके बाद में जब ये वहां तमिलनाडु के ही लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि ये कन्वर्जन के कारण फोर्स होकर के लावण्या ने सुसाइड किया है, उसके बाद में डीएमके के दो मिनिस्टर सीधे सामने आते हैं और बिना किसी प्राथमिक जांच के आधार पर भी वो ये कह देते हैं कि लावण्या ने जो सुसाइड की है इसमें फोर्सफुल कन्वर्जन का कोई एंगल नहीं था। वहां के पुलिस प्रशासन का कहना है कि जी फोर्सफुल कन्वर्जन का कोई एंगल नहीं था। पुलिस तो इतनी समझदार है ना कि एटलीस्ट एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको कोई बयान देना चाहिए, परंतु उन्होंने बेबुनियाद तरीके से ये बयान जारी किया। बाद में ये मामला हाईकोर्ट गया, लावण्या के पिताजी इन्वॉल्व हुए, उन्होंने केस किया, हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दिए, पुलिस को भी लताड़ लगाई और पुलिस के साथ साथ में मिनिस्टर्स को भी डाका। हाईकोर्ट ने जिस तरीके से सीबीआई इंक्वायरी की अलाउ किया, बाद में डीएमके की गवर्नमेंट हाईकोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट में ये कहती है कि सीबीआई इंक्वायरी इस केस में नहीं चाहिए। तो मैं तो न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लावण्या के केस में सीबीआई इंक्वायरी को कंटिन्यू किया गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ या 14 तारीख को प्रोटेस्ट करते हुए, चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए एबीवीपी के जो 32 कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया और 14 दिन के रिमांड पर भेजा गया, वो प्रोटेस्ट भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि ताकि डीएमके गवर्नमेंट, सीबीआई और साथ साथ में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इनके साथ भी कॉपरेट करे, जो अभी तक डीएमके नहीं कर रहे हैं। अभी एनसीपीसीआर का आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ समय पहले वहां के अध्यक्ष प्रेम कानून ने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट सरकार को साझा की है, उसमें ये जो बुनियादी विषय आपने उठाया है इन इंस्टीट्यूशंस का, उसको बड़े पैमाने पर तथा वस्तु स्थिति का उन्होंने खुलासा किया है किस तरीके से इसमें एक्सप्लोटेशन से लेकर के इस माइनॉरिटी स्टेटस का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि केंद्र के स्तर पर या लेजिस्लेशन के स्तर पर इस पर अभी इनिशिएटिव लेने का समय आ गया है? बिल्कुल, देखिए ये हाई टाइम है अभी, अब हम किसी और बच्चे की आत्महत्या को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा कि इस तरीके से तो देश के हर बच्चे की जान खतरे में है, अगर आज हमने नहीं बचाया तो कल को कोई और बच्चा सुसाइड करेगा और ये सुसाइड करने के केस बढ़ते जाएंगे और ये सुसाइड नहीं होगा, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर होगा, ये एकेडमिक मर्डर होगा। तो अगर इस देश में हमारे ऐसे जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं उनके द्वारा किए जा रहे इंस्टीट्यूशनल मर्डर और एकेडमिक मर्डर को अगर बचाना है तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी आगे आकर के अब इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा और राज्य सरकारों को भी आगे आकर के अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। अभी आपने एक शब्द का उपयोग किया कि एकेडमिक मर्डर, इस एकेडमिक क्षेत्र पर अगर बात करें तो आपको नहीं लगता कि विद्यार्थी परिषद हो या दूसरे जो राइट विंग के इंस्टीट्यूशन हैं या इंटेलेक्चुअल ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, वो एएमयू और जेएनयू पर बात बहुत करते हैं, उनका विरोध बहुत करते हैं, लेकिन क्या अपना एक वर्त अपनी एक स्थिति उन्होंने इस एकेडमिक ग्राउंड में पिछले कुछ समय में खड़ी कर पाई या नहीं कर पाई, आप संतुष्ट हैं? देखिए मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद में अलग अलग स्थानों पर उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम भी किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र में बदलाव के प्रयास है। अभी देखें हम जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में भी कहा गया कि जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें 50% सीट आरक्षित होगी और वो 50% सीट मतलब जितनी सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस है उतनी फीस वहां पर होगी। तो कहीं ना कहीं देश के जो अलग अलग फील्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको राहत देने का काम शिक्षा क्षेत्र में किया जा रहा है और नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं, पाठ्यक्रम के विषय में भी चर्चा सामने आ रही है। अगर एएमयू की बात करूं तो एएमयू एक कहने के लिए है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बट उस यूनिवर्सिटी में आज भारत के जो एससी एसटी और ओबीसी विद्यार्थी हैं उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलता है, ये भी क्वेश्चन आज उठता है कि उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। सब्सक्रिप्शन में जेएनयू की बात करें तो मैं खुद जेएनयू की स्टूडेंट हूँ, जेएनयू की विद्यार्थी हूँ मैं। जेएनयू में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था अभी तक शिक्षा व्यवस्था को कम्युनिस्टों के माध्यम से, लेफ्ट लिबरल्स के माध्यम से बर्बाद करने का प्रयास कई वर्षों में किया गया, पिछले कुछ वर्षों में देखें तो जेएनयू के अंदर जो जेएनयू सिर्फ उसे सोशोलॉजी के लिए जाना जाता था, सिर्फ सोशल साइंस के अध्ययन के लिए जाना जाता था, आज वो जेएनयू वहां पर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स भी खुल रहे हैं, एमबीए के डिपार्टमेंट्स भी खुल रहे हैं, 2001 में संस्कृत खुला, संस्कृत में बहुत अच्छी तरीके से स्टैब्लिश हो चुका है कैंपस के अंदर। तो मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन का जो अप्रोच है वो अप्रोच होना चाहिए, उस दिशा में मुझे लगता है कि आज हमारे देश के अलग अलग शिक्षण संस्थान उस दिशा में बढ़ रहे हैं और जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो शिक्षा व्यवस्था में और अधिक सुधार हो
विधानसभा को देखने को मिलेगा ये भविष्य में। आपको नहीं लगता कि केंद्र पर 7 साल सरकार को हो चुकी है, नए पंद्रह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने में काफी विलम्ब हुआ? बिल्कुल विलम्ब तो हुआ ही है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद पिछले कई वर्षों से ये मांग उठाती आ रही थी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जल्दी से जल्दी लाना चाहिए, पर मुझे लगता है कि देर आए पर दुरुस्त आए। भले सेंट्रल गवर्नमेंट देर से आई, देर से एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई, पर एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई है जो सर्वसमावेशी है, जो देश के हर एक प्रकार के विद्यार्थी, जो बात करते हैं कि जो मेंटली चैलेंज बोलना सही नहीं होगा, परंतु जो विद्यार्थी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़े कमजोर होते हैं, किसी चीज को देर से सीखते हैं, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन किया गया है, जो विजुअली चैलेंज है, जो फिजिकली चैलेंज है उनको भी मेंशन किया गया है, जो फीमेल छात्राएं हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है और उनके लिए भी सुविधाओं की बात की गई है। तो देर से आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पर अच्छी है, सर्वसमावेशी है और स्टूडेंट्स के विकास के लिए काम करने वाली है। उम्मीद बस इतनी ही है कि जल्द से जल्द इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे तरीके से, मतलब हर एक राज्य में इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हो जाए, इतनी अपेक्षा है। और आज के समय में भी अलग अलग राज्यों ने, अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश इम्प्लीमेंटेशन की राह पर आगे बढ़ चुका है आज के समय में, तो उत्तर प्रदेश इम्प्लीमेंटेशन की राह पर आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे अलग अलग राज्यों को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र से ही सारी चीजें नहीं हैंडल हो सकती है, स्टेट्स को भी अपने लेवल पर चीजें हैंडल करनी पड़ेगी। तो इस नाते से अगर स्टेट भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये क्रियान्वयन का कार्य इतना कठिन नहीं रहेगा कि हमें क्रियान्वयन के लिए वेट करना पड़े, सही समय पर सही ढंग से एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन हम देख पाएंगे। यूनिवर्सिटीज बिल्कुल, इसीलिए मुझे लगता है कि अपनी जो एकेडमिक काउंसिल है, यूनिवर्सिटीज की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उनके पास में पावर है और इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो आगे बढ़ भी रहे हैं। अगर मैं जिस इंस्टीट्यूशन में, जेएनयू में, मैं कहाँ की बात करूँ, तो जिस तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन का अप्रोच एनईपी में देखा गया है, तो उसके अंतर्गत ही विद्यार्थी जेएनयू जो अभी तक सोशियोलॉजी के लिए जाना जाता था, आज वहाँ पर मेडिकल की शिक्षा देने के लिए भी हम एकेडमिक काउंसिल ने पास कर दिया है। ऐसे ही एमबीए का कोर्स भी जेएनयू के अंदर खोला गया है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स भी खोले गए हैं। तो आज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाने के लिए अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपने अपने लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन का काम आगे कर चुकी है। पॉलिसीज पर बात करूंगा, उन विषयों को लेकर भी आप देश भर के जो बीजेपी की सरकार है उनका सबसे अच्छा परफॉर्म किसको समझती हैं? आपके अनुभव के आधार पर देश भर में आप भ्रमण करती रहती हैं, नहीं मुझे लगता है कि कुछ और विषय से संबंधित बात को क्या करना, बट मुझे लगता है कि जो अपने राज्य में राज्य के लोगों के लिए, राज्य के विद्यार्थियों के लिए और जो हमारा भारतीय सभ्यता है उसको जो लेकर के आगे जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि देश में हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो ये सरकारें ऐसी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है और अलग अलग समय पर जो एक हमारा है कि हम विद्यार्थी परिषद के नाते से अगर बात करें तो जो राष्ट्र के पुनर्निर्माण की बात करते हैं, नेशन रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो पूर्व रिकंस्ट्रक्शन का अर्थ ही होता है कि हम कुछ पुराना, कुछ नया नहीं इस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, जो पुरानी चीज है उसके रिस्टैब्लिशमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर आप देखें कि उत्तर प्रदेश में ही प्रयागराज का नाम इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज किया गया, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारी जो पुरानी बात है उसको रिस्टैब्लिश ही कर रहा है, मतलब कुछ नया नहीं हो रहा है, जो पुरानी चीजें हैं उनको रिस्टैब्लिश कर रहा है। सिटीज के नाम बदलना या ट्रेन के नाम बदलना, स्टेशन के नाम बदलना, जो इश्यूज है हमारे कोर इश्यू वैचारिक उससे जुड़े हुए, एकेडमिक उससे जुड़े हुए, उनकी स्थिति पर आप किस तरीके से देखते हैं 7 साल में, या बीजेपी की जो सरकार है उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से? ये तो वैसे जो बात करूँ जो ये आपने नाम बदलने का मैंने मेंशन किया आपके बीच में, ये हम इसे विचार से अलग नहीं कर सकते, इसलिए नहीं अलग कर सकते क्योंकि ये गौरव का विषय है, आत्मगौरव का विषय है, ये स्वाभिमान का विषय है। जब भी हमें की बार अभी तक हमारे देश में क्या किया गया, हम भारतीयों को हीन भावना से ग्रस्त रखा गया, हमेशा हम ये सोचते कि हमारे भारत में ये नहीं हो सकता, हमारे भारत में ये नहीं हो सकता, हमसे रियल हिस्ट्री छिपा करके रखी गई। परंतु आज जब
झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर होता है, तो वहाँ पर उतरने वाला हर यात्री गौरव से भरा है। अगर उत्तर प्रदेश में वो स्टेशन जहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जी की कमृत शरीर मिला था, अगर आज उस मुगल सराय, अगर आज उस स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा जाता है, तो वह आत्म गौरव का विषय होता है। व्यक्ति जानने का प्रयास करेगा कि आखिर दीनदयाल जी थे कौन, ऐसा क्या हुआ था जो मुगल सराय का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। वैचारिक लड़ाई है, मतलब जो अलग बैटल्स होती है वो तो होती है, आइडियोलॉजिकल बैटल है। और आइडियोलॉजिकल बैटल में मुझे लगता है कि हम जिस विचार की बात कर रहे हैं वो विचार कोई अलग विचार नहीं है, वो भारत का विचार है। और भारत का विचार वो विचार है जिसमें हम छत्रपति शिवाजी महाराज की भी बात करेंगे, हम रानी माँ गाइडेल्यू की भी बात करेंगे, लचित बरफुकन की भी बात करेंगे, जिनको इतने वर्षों तक हमारी हिस्ट्री से और हिस्ट्री में जो पन्ने हैं उन पर धूल चिपका दी गई थी ताकि हम उनके बारे में पढ़ सकें। तो रीस्टैब्लिशमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशन के नाम अगर हम देखें, हम मार्गों के नाम देखें, तो एक नेशन प्राइड का विषय है। आज के समय में सुभाष चंद्र बोस जी जहाँ पर इंडिया गेट पर कभी जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी, आज वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति हो रही, तो वो एक आत्मगौरव का विषय है, भारत के स्वाभिमान का विषय है। स्वाधीन हमारा गणतंत्र दिवस जो 26 तारीख से मनाया जाता था, अब उसको शिफ्ट करके 23 तारीख से मनाया जाएगा। ये एक उत्सव है जो पूरे 3 दिन का उत्सव होगा। हम अपने संविधान को सेलिब्रेट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें पॉलिटिकल इश्यूज भी है, वो सब मैं बात करना चाहता हूँ। उसकी बात आपने कहा, तो आपको नहीं लगता कि एक ऐसा ऐसी संरचनाएं, नई संरचनाएं जो JNU AMU या जाधवपुर जैसे जो नैरेटिव गढ़ते हैं इस देश के अंदर, ऐसे इंस्टीट्यूशंस आपके हैंड पर भी खड़े होने चाहिए थे इस पूरे 7-8 साल के दौरान? मुझे लगता है कि प्रयास आवश्यक है, और किसी को ये कहना बीच में जैसे बातें आती हैं ये इंस्टीट्यूशन बंद कर देना, कुछ लोग बात करते हैं ये कर दो ये कर दो ये कर दो, वो हल नहीं है। उसके लिए आवश्यकता है कि हम नए मानक रखें, अपने नई लकीर हम खींचें। और मुझे लगता है उस पर शायद उतने ठीक तरीके से काम नहीं हो पाया है। पाठ्यक्रम के विषय में अगर बात करूं तो जो हम एकेडमिक जगत की बात करें, उस पर शायद बहुत ठीक तरीके से काम नहीं हो पाया अभी, और अच्छे तरीके से उसको करने की आवश्यकता है ताकि जो एक, और वो मुझे लगता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ही संभव हो पाएगा, जो मैंने पूर्व में कहा आपको। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं एक पहला चरण है, पहला स्टेप है, और जब उसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो जो लार्जर पर्सपेक्टिव में हम सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम पूरा कर पाएंगे, और वो तभी संपन्न हो पाएंगे। आप ये मान रहे हैं ना कि ये पाठ्यक्रम का उसको कहते हैं पुनर्लेखन हो? जी बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं विलम्ब हुआ है? नहीं, विलम्ब हुआ है न्यूनता तो है, बिल्कुल कमी तो हुई है। और दूसरा एक बुनियादी विषय जो अक्सर उठाया जाता है राइट विंग की तरफ से, कि आप JNU और AMU को गाली तो बहुत दे सकते हैं, शट डाउन JNU के आप ड्राइव चला सकते हैं, लेकिन आपके पास में इस स्ट्रेंथ के जुड़े हुए से क्षमता वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो नहीं है। आपकी राज्य की सरकारें भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस खड़ा नहीं कर पाई, तो ये कहीं ना कहीं आपकी विफलता नहीं है? लगता है जो भी ये शट डाउन JNU की बात करते हैं वो गिने चुने कुछ 2-4 लोग हैं, और वो किसी एक दो JNU में जो इंसिडेंट हुए उसके कारण वो करने वाले लोग हैं। क्योंकि उसी JNU को जब A++ ग्रेड मिलता है तो हमारे देश की जो शिक्षा मंत्री है वो भी उसको अप्रिशिएट करता है। देश में जब JNU का कॉन्वोकेशन होता है तो वही आकर के कॉन्वोकेशन में एज अ चीफ गेस्ट होते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि JNU को शट डाउन करने की बात किसी एक व्यक्ति के माध्यम से की जा रही है और वो दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं खड़ा करता। तो मुझे लगता है कि अभी काम कहीं कहीं स्तर पर शुरू हुए भी हैं, कहीं कहीं स्तर पर काम शुरू भी हुए हैं, देरी जरूर हुई है वो मैं स्वीकार करती हूँ, देरी हुई है, परंतु काम शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ऐसे काम पूर्ण भी होंगे ताकि जिस हम भारतीय गौरव की बात कर रहे हैं जो कि एक शिक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रम के माध्यम से स्टूडेंट्स को होना चाहिए, वो आगे आने वाले समय में जल्दी ही कोई बड़ा परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलेगा इस संस्थान के द्वारा। आप इस बात को मानते हैं कि आपको लेकर के आपसे मतलब विद्यार्थी परिषद और IIM को लेकर के एक धारणा पूरे देश और दुनिया में ये बना दी गई है कि ये JNU AMU और दूसरे जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग इंटेलेक्चुअल जिसे कहते हैं उनके आप विरुद्ध हैं, और आपका जो रिश्ता है पढ़ने लिखने रिसर्च की जगह जो अभी हुल्लड़बाजी होती है या नारेबाजी होती है उससे ज्यादा जोर दिया गया? देखिए, आरोप लगाने वालों का काम है आरोप लगाना, और मुझे लगता है मैं उनको जवाब देना जरूरी नहीं समझती, पर आपने मुझसे प्रश्न किया इसलिए आपको जवाब दूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि
मतलब एक विचार के लोग जेएनयू को बंद करने की बात करते हैं, तो मैं खुद भी जेएनयू के स्टूडेंट हूँ और आज जेएनयू में एबीवीपी की सदस्यता सबसे ज्यादा सदस्यता है। आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में हराने के लिए सारे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन को गठबंधन करना पड़ता है। तो एबीवीपी इतनी स्ट्रांग है आज के समय में, अगर जेएनयू बंद होगा तो जेएनयू में पढ़ने वाले एबीवीपी के कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, आप अपने में ही विरोधाभासी बात है। आप ये कह रहे हैं ना, हाँ, यहाँ के नए जेएनयू शटडाउन के पर हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इंस्टीट्यूशन को बंद करना ऑप्शन नहीं है, और जो ये एक दो लोगों ने कहा वो भी किसी स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने जेएनयू को बदनाम करने की भी कोशिश करी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जेएनयू के अंदर की भारत विरोधी टुकड़े होंगे, छल। कुछ लोग थे जिन्होंने अफजल गुरु आतंकवादी की बरसी मनाई जेएनयू कैंपस के अंदर, पर जेएनयू का हर विद्यार्थी वैसा नहीं है। और बाकी विद्यार्थी जो निर्मला सीतारमण जी देश की आज हमारी वित्त मंत्री है, जेएनयू से ही पढ़ी है, जेएनयू में जो भी वाइस चांसलर आई है वो खुद जेएनयू से पढ़ी हुई है। तो यहाँ से जो हम आर्मी में डिग्री भी देते हैं वो ऑफिसर्स को जेएनयू की डिग्री मिलती है। तो ये कहना कि जेएनयू को बंद कर देंगे, वो कुछ तो जो एक दो लोगों ने कहा और उसके बाद ये जो पूरी मीडिया गैंग थी, मीडिया गैंग नहीं बोलूंगी बट इको सिस्टम जो है कांग्रेस का और कम्युनिस्टों का इको सिस्टम, उस इको सिस्टम ने कहीं ना कहीं इसको और अधिक तरीके से प्रचारित प्रसारित किया और उसको टैग किया कि हम जेएनयू को बंद करने की बात करें। मैं जेएनयू की स्टूडेंट हूँ, मैं क्यों चाहूंगी जेएनयू बंद हो जाए? मुझे भी तो डिग्री लेनी है ना, मुझे अपनी पीएचडी कम्प्लीट करनी है जेएनयू से, भविष्य में जेएनयू से पीडीएफ करने का सपना भी देख रही हूँ। तो मैं या विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ने कोई क्यों चाहेगा कि इंस्टीट्यूशन बंद हो? आज वही जेएनयू नैट में A++ ग्रेड लेकर के आ रहा है, और नैट में सिर्फ A++ ग्रेड की बात नहीं है, एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे आगे जेएनयू है जो एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रहा है। तो ये कुछ लोगों के माध्यम से लगाया गया आरोप है। ये कहना कि एबीवीपी वाले अकादमी जगत में भरोसा नहीं रखते, फुटंगई में भरोसा रखते हैं नारेबाजी करने में, तो मुझे लगता है उन लोगों से तो विद्यार्थी परिषद को ज्ञान नहीं चाहिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है ये नारा लगाते हैं, या फिर जो कॉलेज कैंपस में यूनिवर्सिटीज में तिरंगा लहराए जाने पर विद्यार्थियों को मारते हैं, या फिर नक्सलबाड़ी एक ही रास्ता जो लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लिखते हैं उनसे तो हमें शांति का ज्ञान नहीं चाहिए। विद्यार्थी परिषद को पता है कि ज्ञानशील एकता ये हमारे संगठन का आधार है, और इसके आधार पर उसमें जो ज्ञान भी है और जो शील भी है उन दोनों को अपना करके विद्यार्थी परिषद आगे बढ़ रहा है। एकता तो विद्यार्थी परिषद में है ही, और नेशनल इंटीग्रिटी की बात करते हैं हम, एकता तो हमें ज्ञान और शील दोनों का रक्षण करते हुए दोनों को संभाल करके विद्यार्थी परिषद देश भर में आगे बढ़ रहा है, और पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद स्ट्रांग भी हो रहा है। साझा करते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि आज एबीवीपी की पूरे देश भर में 33 लाख से ज्यादा सदस्यता है, 33 लाख से ज्यादा एबीवीपी के मेंबर है, और इसके आधार पर एबीवीपी वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा छात्र संगठन है। आज के समय में कोविड की परिस्थिति में जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद थे, पढ़ाई नहीं हो रही थी, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे, इसके बावजूद एबीवीपी ने 32 लाख से ज्यादा की सदस्यता की ऑनलाइन और ऑफलाइन, जब डिजिटल मोड में और फिजिकली जाकर के। तो आप समझ सकते हैं कि एबीवीपी कहाँ कहाँ तक पहुंच चुका है। तो आज देश के गांव में विद्यार्थी परिषद, देश की बस्तियों में विद्यार्थी परिषद, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में विद्यार्थी परिषद, और महानगरों के भी विद्यार्थी परिषद। आखिरी के दो सवाल बातचीत रिसर्च को लेकर के, इस बात को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि राइट विंग में उतना बहुत काम नहीं हुआ है। एक रिसर्च बेस्ड जो एकेडमिक इलाका है उस पर एक तरीके से एकाधिकार पंचों का, तो क्या ये जो NEP जो आ रहा है, प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में या एक दो और पब्लिक प्लेस पर ये कहा है कि हम R&D को बढ़ावा देंगे, आपको लगता है इस क्षेत्र में वास्तव में राइट विंग के कोर इश्यूज को लेकर के रिसर्च करने की और एक प्रामाणिक काम की आवश्यकता भी नए सिरे से, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव किस तो चल रहा है? मैं आपको अगर मेंशन करूं तो अभी तक हमारे देश में ऐसे विद्यार्थी जो सरस्वती नदी पर काम करना चाहते थे उन्हें लेफ्ट के प्रोफेसर ने सरस्वती नदी पर काम नहीं करने दिया, जो साथ की कॉन्शियसनेस पर काम करना चाहते थे लेफ्ट में लिबरल्स ने, लेफ्ट के प्रोफेसर ने वो साथ की फिलोसफी में वर्णित कॉन्शियसनेस पर काम नहीं कर दिया। जो विद्यार्थी साइंस और संस्कृत को रिलेट करके काम करना चाहते थे साइंस के फील्ड में या अलग अलग स्थानों के स्टूडेंट्स, उनको लेफ्ट के प्रोफेसर ने काम नहीं कर दिया, और उसी का दुष्परिणाम हुआ कि हमारे देश में एक तरीके की रिसर्च आ गई। ऐसा नहीं है कि पुस्तकें कभी इस विचार पर लिखी नहीं गई, देश के वास्तविक इतिहास को दिखाने के लिए ऐसा नहीं था कि
विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाया, विमर्श का हिस्सा बनने नहीं दिया, कोशिश बहुत की, प्रयास बहुत बदला की दीनदयाल जी ने नहीं किया, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं किया, सबने किया, परंतु कहीं ना कहीं उसको दबाने का प्रयास किया गया और अकादमिक जगत में एक कहीं ना कहीं कांग्रेस और वामपंथियों की साठगांठ थी, जिस साठगांठ के अंतर्गत उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वामपंथियों को दिए और वो इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए उन्होंने भारत की जो वास्तविक पहचान थी, भारत का जो वास्तविक इतिहास है, उसको कभी बाहर ही नहीं आने दिया, और जो स्टूडेंट उसके ऊपर काम करना चाहते थे उनको प्रेसराइज करके उनका रिसर्च का टॉपिक नहीं बना, उनके फेलोशिप के ऊपर साइन न करने देना, उनको प्रताड़ित करना, इस तरीके का काम हुआ। जो प्रोफेसर उसके ऊपर काम करना चाहते थे उनके ऊपर ऊपर से प्रेशर बनाना ताकि वो उस टॉपिक पर काम करना छोड़ दें, तो ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए जिसके कारण विमर्श नहीं पूरा हो पाया, जिसके कारण भारत का जो वास्तविक इतिहास है, जो वास्तविक पहचान है, वो वैश्विक पटल पर नहीं होती। पर आज ऐसा हाई टाइम है कि हमारे देश का जो युवा है वो भी खुद को भारतीय चीजें में गर्व महसूस करता है, और आज अगर हम देखें तो रिसर्च भी हो रहे हैं, आज गर्भोपनिषद और साइंस को रिलेट करके पीएचडी हो रही है, आज अगर बात करूं तो संस्कृत में ट्राइबल्स के ऊपर कहां काम है उसके ऊपर पीएचडी हो रही है, सांख्यिकी कॉन्शियसनेस के ऊपर को किस तरीके से एक दोयम दर्जा प्रदान किया गया उसके ऊपर आज चर्चा हो रही है, एकेडमिक नैरेटिव बन रहा है, उसके ऊपर एक डिबेट खड़ी हो रही है आज समाज के अंदर, चंद्रशेखर आजाद जी को इतिहास में बहुत अधिक स्थान नहीं दिया गया, आज उनके ऊपर भी चर्चा हो रही है, उनका इतिहास भी बाहर आ रहा है, तो आज देश का नागरिक, देश का जो यूथ है वो क्वेश्चन कर रहा है, बेसिकली वो क्वेश्चन करना चाह रहे कि आपने तो बोल दिया अकबर महान था, पर अकबर क्यों महान था, आपने बोल दिया औरंगजेब महान था, औरंगजेब ने तो सबके लिए बहुत काम किया, तो औरंगजेब ने क्या काम किया इंडियन सोसाइटी के लिए, आप बताओ, ये आज क्वेश्चन देश का युवा पूछ रहा है, ये युवा क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वो आत्मगौरव और आत्मसम्मान और भारत की वास्तविक पहचान की बात उसके मन में जाती है, जिसके कारण आज वो ये क्वेश्चन करने पर मजबूर नहीं बोलूंगी मैं, बट वो ये क्वेश्चन मन में उसके स्वाभाविक रूप से, जिसके कारण वो ये क्वेश्चन आज कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं देश की स्थिति बदल रही है, देश का नैरेटिव भी बदल रहा है, और उसके आधार पर देश का युवा जागरूक आज प्रश्न करना चाहते हैं और उत्तर भी जानने के लिए उत्सुक होती है। काफी सवाल ये स्टेट में जो बीजेपी गवर्नमेंट, आप हमको क्या संदेश देना चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर से, क्योंकि आप इस पूरे विषय को देखते हैं शिक्षा और विद्यार्थियों के मामले में, क्या उनको अपने स्तर पर आरएनडी से जुड़े हुए मामलों में, या जो हमारे विपक्ष में एक नैरेटिव खड़ा किया या संकट सामने उससे लड़ने के लिए कुछ ऐसे सक्षम इंस्टीट्यूशंस उन्हें अपने अपने स्टेट्स में खड़े नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन नए खोलने ही चाहिए, जो वर्तमान कोई उनको सुधारने का प्रयास भी करना चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ स्टेट यूनिवर्सिटीज के पास स्टेट यूनिवर्सिटीज में फेलोशिप नहीं है, स्टेट यूनिवर्सिटीज की हालत अच्छी नहीं है, उनकी हालत में सुधार के लिए भी एबीवीपी ने डिमांड की है, जो अलग रिसर्च को और सहायता मिल सके, रिसर्च और अच्छी तरीके से जाए, इस कारण से विद्यार्थी परिषद ने यह डिमांड की है, केंद्र सरकार को भी डिमांड की है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने बताया, हमने शिक्षा मंत्री को भी बताया है कि रिसर्च और डेवलपमेंट जो है उसको बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता की फेलोशिप ताकि स्टूडेंट के ऊपर मानसिक दबाव होता है फेलोशिप का वो खत्म हो सके, तो उसके लिए भी विद्यार्थी परिषद ने बात की है, नॉन गेट फेलोशिप को बढ़ाया जाए उसके बारे में भी विद्यार्थी परिषद ने बात करेगा, अलग अलग तरीके की फेलोशिप का सृजन किया जाए, अलग अलग क्षेत्र में इंटर्नशिप दी जाए ताकि रिसर्च करने के लिए जो इंटर्नशिप करना चाहता है उसके बारे में बात हो पाए, फील्ड वर्क के बारे में प्रमोट करने के लिए बात हो पाए, ऐसे अलग अलग तरीके के विषय है जिनको लेकर के विद्यार्थी परिषद में काम कर रही है, और हमने देश भर में ये अपील की है, क्योंकि मैं अगर बात करूँ आगरा में हमारा जो एबीवीपी का अधिवेशन हुआ उसमें हमने रेजोल्यूशन पास किया, वो हमारा रेजोल्यूशन ही स्टेट यूनिवर्सिटीज की स्ट्रेंथन के लिए, तो हमारा कंसर्न ही ये है कि जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, और मैं सिर्फ जहाँ पे बीजेपी शासित जो राज्य है मैं सिर्फ उन्हीं की बात नहीं करती, मैं ऑल ओवर भारत की बात करना चाहती हूँ कि ऑल ओवर भारत में स्टेट यूनिवर्सिटीज को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, मतलब सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों, अलग स्थानों पर आपकी बात सुनी जा सकती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, विद्यार्थी परिषद की बात तो हर राज्य को सुननी पड़ेगी, विद्यार्थी परिषद की बात को पंजाब को भी सुनना पड़ेगा और तमिलनाडु को भी सुनना पड़ेगा, वहाँ सुनानी पड़ेगी, यहाँ आपकी बात सुनी जा सकती है, नहीं जो नहीं सुनेगा वहाँ हम सुनाएंगे, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य हो या कोई भी हो हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टी मतलब नहीं रखते, हमारे लिए मतलब रखता है स्टूडेंट्स का हित, और जहाँ पे अगर यही बात होती तो हम तमिलनाडु में प्रदर्शन करने नहीं जाते, क्योंकि मम्मी रहता कि वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है तो क्यों जाना, हम बाहर से प्रदर्शन करके लौट आएंगे, बट हम गए और तमिलनाडु की हिस्ट्री में ही पहली बार हुआ कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर किसी का आंदोलन करने की हिम्मत, और वो हिम्मत किसकी हुई?
उनको हिम्मत विद्यार्थी परिषद 90% लोग इंग्लिश और एक तरफ को अभी ह्यूमैनिटीज के साथ साथ साइंस को हिंदी में पढ़ाने की बात कही जा रही है। आपको नहीं लगता कि ये सब बातें केवल असम तक सीमित है और स्टेट की यूनिवर्सिटियों में भी स्थिति बहुत खराब है, आप इस बात को स्वीकार करते हैं? बोला ही मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी 33-34 जितनी भी हावी हिंदी को लेकर के या जो हमारी जिन भाषाओं को लेकर के हमारा आग्रह रहता है बहुत अच्छा R&D में काम नहीं होता, इसलिए लोग अंग्रेजी को स्वाभाविक रूप से लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये चिंता वाला विषय तो है क्योंकि जब हम मातृभाषा के संवर्धन की बात कर रहे हैं, आज खुशी ये है कि अभी अलग अलग स्थानों पर जो साइंस का सिलेबस है, अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग का सिलेबस, तो इंजीनियरिंग का वो पूरा पाठ्यक्रम अभी हिंदी भाषा में हो रहा है, ऐसे मेडिकल का जो पाठ्यक्रम है वो भी हिंदी में आने का प्रयास हो रहा है। तो मातृभाषा के संवर्धन का जो काम है वो भी होना है और मुझे लग रहा है वो काम शुरू हो चुका है। और अगर बात करें कि देर हो रही है या क्यों नहीं हो रहा है काम, तो मुझे लगता है 70 वर्षों से जो एक मानसिकता बनी, 70 वर्षों से जो चीज एस्टेब्लिश हुई है, उसे कुछ वर्षों में तो खत्म नहीं कर सकते, थोड़ा तो टाइम लगेगा उस चीज को करने के लिए। हम 70 वर्षों तक का गाना कब तक? नहीं नहीं, हम बैठ नहीं सकते ना, हम बैठ नहीं सकते। 70 वर्षों में जो समस्याएं हुई है उनको उनके निवारण के लिए काम हो रहा है। मैं कहती हूँ मतलब छात्र संगठन होने के नाते हम भी इस चीज को लेकर के कंसर्न है कि वो काम होना चाहिए। और UPSC में जो एक अंग्रेजी की तरफ ज्यादा मुड़ रहे हैं लोग, वो इस बात का प्रमाण भी है कि हमारे यहाँ पे एक ये मानसिकता ही डेवलप हो सकती है। फिर इसको लावण्य के केस से जोड़ सकती है, एक मानसिकता ही है कि कॉन्वेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई ज्यादा अच्छी, सेंट जेवियर्स है, सेंट जोसेफ है, ये जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है उन सब में पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है। और वो क्यों होती है? अंग्रेजी में पढ़ेगा बच्चा तो बच्चा आगे जाएगा। क्यों आगे जाएगा? अंग्रेजी बोलनी आती है, अंग्रेजी पढ़नी आती है, तो ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट होंगी, ज्यादा से ज्यादा बाहर नौकरी करने जा पाएगा। ये एक मानसिकता बन चुकी है और मानसिकता बनाने का काम भी किया गया हमारे देश में। परंतु अब जब हम हिंदी की बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में या हम मातृभाषा के संवर्धन की बात करते हैं, तो जब लोगों को ये लगेगा कि नहीं इधर भी अपॉर्चुनिटी है, इधर भी हम अच्छा कर पा रहे हैं, तो देश का जो युवा है और जो पेरेंट्स हैं वो भी इधर शिफ्ट होंगे। वो कहीं ना कहीं उधर गए, इसलिए गए क्योंकि उनको लगता था कि उधर भविष्य है। जब वो इधर मातृभाषा की तरफ देखेंगे उनको लगेगा कि नहीं इधर भी भविष्य अच्छा है, तो लोग इधर शिफ्ट होंगे, पक्का शिफ्ट होंगे। क्योंकि आज भी विद्या मंदिर में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं ना, शिशु मंदिर में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो स्टेट के बोर्ड्स होते हैं वहां बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, सारे कॉन्वेंट में तो नहीं जाते हैं। पर इलीट फैमिलीज की बात करूं, जो गवर्नमेंट अधिकारी है उनकी बात करूं, बिजनेस मैन की बात करूं, तो वो सब कहां जाते हैं? तो वो इलीटिज्म का जो पूरा एक केंद्र बन जाता है वो अंग्रेजी माध्यम वाले में ही जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहां भविष्य सुखी है। परंतु मैंने खुद ने भी UP बोर्ड से पढ़ाई की है और ईश्वर की कृपा से आज JNU में PhD कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा भविष्य अंधकार में मुझे दिखाई दे रहा है। संस्कृत से PhD कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरा भविष्य मुझे अंधकार में दिख रहा है, परंतु आवश्यकता है कि उस मानसिकता से आज उभरने की जरूरत है कि जो अंग्रेजी पढ़ रहा है उसी का भविष्य उज्ज्वल है। ये एक मानसिकता से बढ़ने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं जो कमी आई उस कमी के कारण लोगों ने अंग्रेजी को एक ऑप्शन के रूप में चुनना शुरू किया। उस कमी को दूर करते हुए अपनी मातृभाषा के प्रति गौरव की भावना मन में रखना और जो अभी NEP के माध्यम से बेसिकली करने का प्रयास भी हो रहा है कि अगर आपकी तमिल भाषा है, तेलुगु है आपकी, या मराठी है, कन्नड़ा है, जो भाषा है उस भाषा में आप अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके, ताकि आपका जो डेवलपमेंट है, ऑल ओवर डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जो व्यक्ति का खुद का जो नेचुरल जो थॉट है, बिल्कुल नेचुरल जो थॉट है वो तो अपनी खुद की भाषा में ही आ सकता है। पाठ्यक्रम है वो भारतीय भाषाओं में होंगे ताकि शिक्षा और अच्छे से हो पाएगी और अकादमिक जगत की स्थिति और अच्छे से सुधर पाएगी। 40 मिनट के पूरा व्याख्यान पूरा होने वाला है, एक आखिरी सवाल करके इस बातचीत को समाप्त करेंगे। अभी बिना सहस्त्र बुद्धि की अध्यक्षता वाली एक पार्लियामेंट की कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एक देश में एक बोर्ड, जो आप बात कर रहे हैं, तो क्या इस विषय पर विद्यार्थी परिषद सरकार से मांग करती है कि एक देश में एक जैसा पाठ्यक्रम स्कूलों का कम से कम होना चाहिए? क्योंकि CBSE पढ़ने वाले बच्चों के मन में एक अलग सुपीरियरिटी रहती है और बोर्ड में हम लोग पढ़ते हैं, आप CBSE, तो क्या ये एक समरूपता नहीं होना चाहिए? नहीं होनी चाहिए समरूपता। वो जो आपने बोला ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, जी हम तो ICSE बोर्ड के पढ़े हैं, हम तो CBSE बोर्ड के पढ़े, और स्टेट बोर्ड वाले थोड़े डाउन देखते हैं उसके मामले में। अगर एक जैसा सिलेबस होगा तो मुझे लगता है कि उसके माध्यम से कहीं ना कहीं एक जो इलिटिज्म वाली भावना है,
वो भी कहीं ना कहीं समाप्त होगी। और हम आज बात ही कर रहे हैं कि एक पूरे देश भर में एक समय में चुनाव हो, तो पाठ्यक्रम के बारे में बात करनी है। एक देश एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, होना चाहिए मुझे लगता है। आप इस विषय पर बात करेंगे सरकार के स्तर पर? क्या पहले एक एक्सपर्ट कमेटी इसको रिकमेंड सरकार को कर चुकी है, पार्लियामेंट्री कमेटी। नहीं, विद्यार्थी परिषद ने भी पार्लियामेंट्री की उस स्टैंडिंग कमेटी को अपने कुछ सुझाव पाठ्यक्रम के संबंध में भेजे गए थे। और अभी ये जो सहस्रबुद्धि जी के नेतृत्व में जो कमेटी है, उसके भी आगे आने वाले समय में रिकमेंडेशन के बारे में विद्यार्थी परिषद में भी पूरी डिटेल में छात्रों से और टीचर से चर्चा करते हुए उस कमेटी तक ध्यान जाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने